नमस्कार, खबर सोनसी न्यूज चैनल की पंचायती चुनाव के महाकवरेज में आप सभी का स्वागत है। अब होगी जनता के संवादों व सवालों पर हमारी सीधी नजर। अब जनता करेगी फैसला, अब जनता की बारी है। अब होगी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व क्षमता की बारी। अब जनता के सवालों पर जनप्रतिनिधि देंगे अपना जवाब। अब होगा जनप्रतिनिधियों व जनता के बीच सीधा संवाद। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। आइए लेके चलते हैं, आज आपको हम मिलवाते हैं वरिष्ठ समाजसेवी व पूर्व ग्राम प्रधान बिंदा देवनाथ राम प्रजापति जी, आज हमारे साथ हैं। आइए, जैसा कि हमने बता रखा है, हम लोग तमाम परिचर्चा जो भी चुनाव पे हो रहा है उसको कर रहे हैं। कल जैसा कि आपने देखा, परसीमन पे, आरक्षण पे काफ़ी व्यापक चर्चा हुआ है। सर, देखा जा रहा है चुनाव में काफ़ी विलंब हो रहा है, गांव में भी जो है कि चुनाव पे पूरी तरह से गहमागहमी नहीं हो पा रही है। चुनाव में जो देरी हो रही है उससे ग्रामवासियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? थोड़ा निराशा महसूस हुई है, और समय से अगर आरक्षण लागू हो गया होता तो लोग अपने पूरे शक्ति का जो है परीक्षण करते और पूरी शक्ति से जो है प्रचार प्रसार करते। जैसा कि देखा जा रहा है, सरकार ने प्रस्तावना जो है कि पारित कर दिया है, तमाम जो है कि नियम आ रहे हैं, आरक्षण के लिए नियम बन चुका है, और 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इसकी घोषणा होनी है। इस पे जनता के बीच में जो संदेश जाएगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता जो है चुनाव के लिए पूर्ण तरह से वैसे तैयार है, और जब डेट आ जाने पर वह पूरी शक्ति के साथ जो है अपना चुनाव प्रचार आरंभ करेगी। जैसा कि देखा जा रहा है, इस समय हमारा देश युवाओं का देश कहा जा रहा है, आप जो है कि ग्राम सभा के प्रधान भी रहे हैं, आप जो है कि नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में वो अपने मत का जो है कि किस प्रकार से अधिकारों का जो है कि उपयोग कर सकें? नौजवानों को चाहिए कि कर्मठ और ईमानदार, क्योंकि गांव का जो प्रधान पद का प्रत्याशी होता है बहुत सन्निकट होता है, और उसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं इसका लोग बखूबी नॉलेज रखते हैं। उसमें कोई पक्षपात ना करें, एक सच्चे आदमी का चुनाव करें तो गांव का जो है सर्वांगीण विकास होगा। आप राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, एक ईमान जनप्रतिनिधि की क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए जिससे जनता उनकी तरफ जो है कि आकर्षित हो सके और उनको जो है कि अपना वोट देने जाए? एक जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है सच्चा ईमानदार आदमी। अगर सच्चा और ईमानदार आदमी जनप्रतिनिधि है और वह चाहता है तो अच्छा विकास होता है, क्योंकि वह ईमानदार है, उसका पैसा जो है दुरुपयोग में नहीं जाता, सदुपयोग में जाता है, गरीबों में जाता है, गरीबों के विकास में लगता है। तो इस तरह से जो नौजवान होते हैं, तो ये तो कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, ये तो सच्चाई है। और नौजवान अगर सच्चाई से किसी दिशा में चलते हैं तो उस दिशा में प्रकाश ही प्रकाश होता है। ऐसा देखा जाता है तमाम भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आती हैं, ग्राम पंचायत चुनाव हो जाता है, तमाम वादे होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच साठगांठ देखा जाता है, और जो विकास कार्य होना चाहिए ग्राम पंचायतों में उसका जो है कि काम होता हुआ नहीं देखा जाता, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में गाँव सभा में अगर कोई दबंग प्रधान हो जाता है तो उसके खिलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं होता है, और वह अधिकारियों में अपनी पैठ रखता है, इसलिए कोई काम है उसको भौतिक सत्यापन में किया ही नहीं है लेकिन कागज में जो है उसका हो गया रहता है। तो इस तरह से सरकार का पैसा जो गांव के विकास के लिए आता है वह कुछ ही लोगों में मतलब बट के ख़त्म हो जाता है, उसका कार्य नहीं हो पाता। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तमाम जो है कि चीज़ें निकल के आई, तमाम जानकारियां आई, उसमें से एक चीज़ ये भी निकल के आ रहा था कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव जो भी होंगे उसमें पार्टी वार का भी एक नज़ारा देखने को मिलेगा, तमाम पार्टियां इस चुनाव में कूदने जा रही थी, तो इससे जनता में क्या पेशो पेश रहेगा, जनता के बीच क्या माहौल बनेगा? ऐसा है, गाँव में जो पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधान पद का चुनाव है या BDC मेम्बर का चुनाव है, उसमें जो है पार्टी का विशेष असर नहीं होगा,
लेकिन ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि आगामी जो चुनाव होने वाला है ये जो है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल का मैच है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या इसीलिए जो है कि चुनाव में देरी हो रही है या आरक्षण पद्धति लागू करने में देरी हुआ? या नहीं, परसिमन देर से हुआ, इसलिए आरक्षण का सत्यापन सही ढंग से अभी समय से नहीं हो पाया, इसके लिए जो है चुनाव विलम्ब से हुआ। कुछ कोरोना काल के कारण जो है अधिकारी कर्मचारी जो है उसमें लगे रहे, कम अवसर मिला उनको, जिस वजह से चुनाव जो है थोड़ा। और एक चीज़ अभी निकल के आ रही, जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में जो है कि शासन प्रशासन की चीज़ें गई हैं, ऐसा देखने में आ रहा है कि तमाम जो है कि कार्य पद्धतियों में तेजी आ गई है, तमाम लोगों को निलंबित किया जा रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, उनका लेखा जोखा लिया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो पहले क्यों नहीं हो पाती हैं, पहले तेजी क्यों देखने को नहीं मिलती है? दरअसल में यह केवल एक दिखावा होता है, और असलियत तो वही है कि जो लगातार हर समय एक जैसा काम करता हो। अधिकारी का मतलब होता है कि सरकार को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं जो हैं उसको 100% जो है ग्रामीण अंचल में लागू करवाया जाए और उसमें जो है सत्यता हो, तब जा कर के। और अधिकारी जो है अब चुनाव आ गया है तो ऐसे में वो दिखावा बहुत दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि अगर अधिकारी सही रहें तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जनता जो होती है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो जो है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने अधिकारियों, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए अपने अधिकारों को लेने का प्रयास कर सकते हैं? नहीं, जनता से हम जो है उम्मीद करते हैं कि जनता को एक रहना चाहिए, जब जनता एक रहेगी, संगठित रहेगी, तो उसका विकास होगा, अधिकारी भी उसकी बात सुनेंगे, जनप्रतिनिधि भी उसकी बात सुनेगा और मंत्री मिनिस्टर भी उसकी बात सुनेगा। जब वह एक संगठन में रहता है, संयोजित रहता है, उसकी संख्या बल ज़्यादा रहती है तो उसकी सुनवाई होती है। तो तमाम जो भी चर्चा परिचर्चा हो रही है हमने दिखाया, कल भी हम लोगों ने दिखाया, तमाम जो है कि परिघटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम वरिष्ठ राजनेता जनप्रतिनिधि हमारे चैनल में आ रहे हैं, हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने रिपोर्टरों की टीम गठित कर दी है, ये लोग तमाम गाँव में जा रहे हैं, जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं पूरी चीज़ों की रिपोर्टिंग हो रही है, तो जो भी बड़ी घटनाएं होंगी चुनाव पे उसको तमाम प्रकार से हम लोग कवरेजिंग करके दिखाते रहेंगे, और अन्य प्रकार की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर सेवंसी के साथ। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज़, खबर सेवंसी, खबर जो सच है।